ओके बट आई वांट चीपर बिकॉज ये मेरा बेड था, फूड एरिया है, यानी आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। फूटा पूरा क्या है, किवाड़ गेट ऐसा लगा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये होली सीट हॉस्टल है। मैं पहुंच गया हूं यहां पे, सेकंड फ्लोर पे है, तो देखता हूं हॉस्टल कैसा है। पहले ही बिल्ली ने स्वागत किया, हालांकि मुझे यहां सिर्फ आज रात ही रहना है और कल सुबह मुझे 11 बजे एयरपोर्ट चले जाना है। ये तो हो गया फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे है होली सीट सेकंड फ्लोर। पहुँच गए हैं होली सीट हॉस्टल, बात करते हैं। हाय, I want a bed, single bed. You have a reservation? No. Can I book a passport? Yeah. How much? $10. In Egyptian? $305. Why? It's very... it's not cheaper. Yeah. Booking.com is cheaper, but it's not cheaper. Is it all paid? Thanks for the word on booking. So it's almost the same. Okay. Is breakfast included? Yeah. It's showing 250. Hmm? It's showing booking.com 250. Okay, but you will pay the rest for booking. Yeah. Okay. But you... Okay, book. Okay, but I want cheaper. Because I yesterday I was also booked your hotel, but I had got major accident in thermal sick. भाई अभी होटल का बात करके फिर आपको बताते हैं कि कैसा हॉस्टल, आप यहाँ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। ये होली सीट का कार्ड, और अगर यहाँ अच्छा हुआ तो मैं आपको बता दूँगा कि आप यहाँ रह सकते हो कि नहीं। ठीक है, तभी रूम में पहुँच के बताते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास पैसे कम पड़े हैं तो मुझे जो है चीपर रेट चाहिए, तो उसने कहा ठीक है, मैं तो मालिक नहीं हूँ, मैं मैनेजर से पूछ के बताता हूँ। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो मैंने आपके यहाँ लॉस कर दिया हॉस्पिटल में, वहाँ पे सरमर से में, बट वैसे तो देखने में सब कुछ अच्छा है, बिल्डिंग ही केवल खटारा सा लग रही थी, लेकिन अंदर देखिए व्यवस्था फैसिलिटी, और अंदर से बैठने पे जो रिसेप्शन है वो तो अच्छा लग रहा है आने पे, बाकी अंदर फैसिलिटी क्या है वो तो नहीं पता है, वो जाने पे ही पता चलेगा। और मैं इनसे ब्रेकफास्ट ज़रूर कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट का यार फालतू का 200-300 रुपया बाहर चला जाता है। अगर ये 150 ज़्यादा लेकर के ब्रेकफास्ट देते हैं तो उठने के बाद यहीं ताज़ा ताज़ा मिल जाता है, फिर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती है। इज़ माई इंफॉर्मेशन The best price is, this is the last price, it's $10. So you can go to any cheap hostel, like that or Miramis. No, I don't want, because I like this hostel, I'm seeing your best rating. If you don't want to give me cheap, it's no problem. Okay, it's your decision, it's not my decision. Okay, let's fix the price. Okay, no problem. इन्होंने बोला भाई मैंने मैनेजर से बात किया है और कह रहे हैं $10 हमारा फिक्स प्राइस है, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो इंडिया का लगभग 800 रुपया है, और देखते हैं कैसी व्यवस्था देते हैं, तो अभी बुक ही कर लेते हैं। ओके, तो मेरी तबीयत तो सही नहीं है, आप लोगों को पता ही है, तो मैं अभी यहाँ से अपने हॉस्टल से निकल रहा हूँ और मैं जाऊँगा एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट यहाँ से जाएगी बहरीन में लगभग 5 घंटा ट्रांजिट है,
फिर बहरीन से दिल्ली यानी कल पहुँचेंगे हम। वहाँ पे क्या पूछते हैं क्या नहीं बहरीन के अंदर वो मैं आपको बताऊँगा। ये है मेरा हॉस्टल, ये मेरा बेड था। बेड में तो काफ़ी स्पेस है, यानी 3 फिट या 3.5 फिट जितना है। प्राइवेसी के लिए इन्होंने ऐसा पर्दा लगाया हुआ है। तो और ऊपर जाना है तो ये उसकी सीढ़ी है ऊपर वाले का। ये मिक्स डोमेट्री है। मिक्स डोमेट्री में कैसा होता है, मेन और वुमेन दोनों रह सकते हैं। अब आपको इसमें आना चाहिए। पहले मैं आपको हॉस्टल दिखा देता हूँ, फिर नीचे चल के इसका जो है क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है वो बताता हूँ। और इसमें क्या क्या मिल रहा है वो मैं पहले बता देता हूँ। ये इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, यानी ब्रेकफास्ट में अगर आप अंडा वगैरह खाते हैं तो ऑमलेट, ब्रेड और टी या कॉफ़ी, बाकी ये कुछ सैलड वगैरह देते हैं और तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। और ये जो है मैं 4th फ्लोर पे हूँ, तो एक ये है ये रूम जिसमें ऐसे 8-10 बेड लगे हैं, और एक ये है और इधर पे भी है। सामने जो है वो टॉयलेट बाथरूम है, कोई भी यूज़ कर सकता है। इधर भी वही है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, उसके साथ कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, ये तो नहीं बताया इन्होंने। तो बाकी अभी हम चल रहे हैं नीचे और आपको दिखाते हैं जहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। बिस्तर तो बहुत अच्छा नहीं मिला है, ऐसे ही है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, अगर आप दिन भर घूमते हैं तो रात में सोने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब भी हॉस्टल या होटल कुछ भी छोड़ते हैं तो आप भली भांति उसको चेक करिए, क्योंकि निकलने के बाद में इनकी पूरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है आपने क्या छोड़ा। और सबसे पहले आप सिर्फ कुछ चेक करें या ना करें, आप जो है अपना पासपोर्ट ज़रूर चेक किया करें इन दिस वे योर लॉकर। ओके ओके बाय। तो ये जो है यहाँ का फूड एरिया है, यानी आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। और ये जब आप 4th फ्लोर पे आते हैं तो ऐसा रिसेप्शन आएगा। यहाँ पे ये किचन है, अपना भी खाना ला करके इस फ्रिज में रख के पका सकते हो। और कुछ भी मतलब आपको खुद से पकाना है तो ये बेनिफिट होता है। तो हम 4th फ्लोर पे हैं। अब 4th फ्लोर से नीचे जाना और फिर ऊपर आना, और ख़ासकर ऐसे जब चोट लगी हो तो कितना दुख देता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। ये 2nd फ्लोर पे इनका जो है रिसेप्शन एरिया है। हाय, वेयर इज मैनेजर? मैनेजर, आई वांट टू शो टॉक टू। तो भाई यहाँ पे यही एक लफड़ा है, अगर आप मैनेजर और मालिक से किसी से मिलना चाहो तो ये बड़ी दिक्कत है। मैंने सोचा मैनेजर से बात हो जाए, तो जो यहाँ का सबसे बड़ा लफड़ा होता है कि आप जब भी इजिप्ट आते हैं तो जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं आपका रिजर्वेशन कन्फर्म होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो उनसे पूछ लूँ कि क्या ये ऑफर दे सकते हैं बुक करने से। ये देखिए यार, ये है लिफ्ट, टूटा फूटा पूरा, क्या है किवाड़ गेट ऐसा लगा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चक्कर है। इसे नीचे जाना था तो ऊपर चली गई, अब नीचे जा रही है। देख रहे हैं इसकी हालत, ये देख लीजिए, ये लिफ्ट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो जाली लगी है ना, ये खुलती ही नहीं है। और ये पूरा बिल्डिंग देख रहे हैं, ये होली सीट जो है 2nd फ्लोर पे है,
तो पूरी बिल्डिंग जो है वो कबाड़ा है, मतलब एक बार आप आएंगे तो खुद ही डर जाएंगे कि यार मैं सही जगह पे आया हूँ कि नहीं आया हूँ, या यहाँ पे क्यों बुक किया।